प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, आप नारेबाजी कर रहे हैं। संसद की गरिमा, प्रधानमंत्री पद का सम्मान, उसे धाराशाही करते हुए मोदी, अडानी, भाई भाई के नारे, आप सबसे ज्यादा वोकल थे। मदद है भाई, अभी मदद है, अभी नाम बताइए। मैंने नारा लगाया मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, यही नारा लगाया। जो आप नारा बोल नहीं पा रहे थे, खाली मोदी अडानी भाई भाई तक रुक गए थे। इस देश की सारी संपत्ति, सारा संसाधन एक आदमी को, बैंकों का कर्जा, कर्जे की माफी, सब कुछ आप करते जा रहे हैं। और आप बड़ी बड़ी, अरे ये कोई अखाड़ा है क्या? तो अखाड़े में तो आप तब्दील करते दिखाई दिए ना, पहलवानी ज्वाइन कर लीजिए। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। इंदर धारा बाई जोगिंदर सरकार पर दबाव बनाकर वो सवालों के जवाब लीजिए। संसद सड़क बना रहे हैं क्या? कोई दंगल हो रहा क्या? नहीं, यही तो आपसे पूछ रहा हूं। सब पे भारी है, हम सबको पटक देंगे। हम ब्रजभूषण शरण सिंह के दंगल में जाके पहलवानी करते हैं, तो करो ना भैया पहलवानी। पटको सबको, पटक डालो सबको, अपने वाले जो बीजेपी वाले सांसद हैं उनको भी पटक डालो। आपको हमारी संस्थाओं पर, देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? सबके ऊपर, हम सबके ऊपर हमारी संस्थाओं पर आपको भरोसा नहीं है? जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, तो करना। परेशान हो गए हम लोग भाई साहब से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। वाह वाह, क्या बात आपने कही संदीप चौधरी जी, क्यों नहीं भरोसा होना चाहिए? 8 साल में ईडी ने 3,000 छापे मारे और 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। भरोसा आपको भी होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इतनी ताकतवर, इतनी मजबूत संस्था 3,000 लोगों पे छापे मारे करेगी, अब 0.5% कन्विक्शन रेट होगा उसका 8 सालों के अंदर। बीजेपी के कितने नेताओं पे कार्रवाई हुई, कितने व्यापक घोटाले पे, कितने माइनिंग घोटाले पे कार्रवाई हुई, जरा हमको बताइए नाम। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और जिन पे कार्रवाई होती है, इनकी पार्टी में चला जाता है तो वॉशिंग मशीन में वो साफ हो जाता है। बात हम कर रहे हैं जेपीसी की, आप कर रहे हैं हम सब पे भारी हैं। अच्छा, कमल खिलेगा, मैं लाइन बताता हूं आपको संदीप जी, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल के फूल तो और खिलने की बात हो रही है, पर ये देखिए राजनीति से, अडानी के चक्कर में फंस गया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है। अडानी के चक्कर में कमल मुरझा रहा है। आपको लगता है कि जांच होगी? हमदर्दी जता रहे हैं। या जो एफपीओ 20,000 करोड़ पैसे वापस कर दिए अडानी ग्रुप ने, उन्होंने जो 2024 में पैसे देने थे उनकी प्री पेमेंट भी कर दी। अरे LIC का कितना पैसा डूबा संदीप जी, जरा बताइए अपने दर्शकों को। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। तो SBI ने, LIC ने, जहां पे करोड़ों खाता धारक हैं, जहां पे करोड़ों लोगों ने अपनी पॉलिसीज ले रखी है, उनके लोगों पे, उन लोगों के मन में जो चिंता है, आप उसको दूर नहीं करेंगे? आप इतने बड़े मामले की जांच नहीं कराएंगे? हमने देखा नहीं यस बैंक में क्या हुआ? और ये सरकार चिड़िया उड़ योजना चलाती है, पहले कहती है नीरव मोदी उड़, फिर कहती है मेहुल चौकसी उड़, फिर कहती है विजय माल्या उड़, फिर कहती है नितिन संदेश राव उड़, फिर कहती है ललित मोदी उड़। सबको हिंदुस्तान से उड़ा दे रहे हैं आप, हजारों करोड़ जो बैंकों का लूट, को गौतम अडानी उड़ हो गया तो क्या होगा इस देश के लोगों का? ये राजू मेरा पैसा लेके भाग गया। वैसे भी 5 बजे का सपना हमेशा सच ही होता है। ये देख, एक पत्रकार के पास 49,000 रुपए अकाउंट में ज्यादा मिल गया तो वो 1.5 साल जेल में रहता है, और अडानी लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप इसके ऊपर लग रहा है। तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, 38 फर्जी कंपनियों के जरिए काला धन हिंदुस्तान की उसकी कंपनियों में आया, इसकी कोई जांच नहीं होगी। तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? एक व्यक्ति को आपने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, स्टील दे दिया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सीमेंट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, और इतने बड़े घोटाले के बावजूद आप उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो आदमी अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी चैन चुंग लिंग के साथ व्यापार कर रहा है, हमारे दुश्मन देश के व्यापारी के साथ, जो ऑलरेडी एक अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले में आरोपी है, भ्रष्टाचार की सुई उसके ऊपर घूम रही है, आप उसकी जांच नहीं कराएंगे? तुम्हें शर्म है कुछ?
अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, क्यों भाई? 144 करोड़ लोगों ने 56 इंच की ताकतवर सरकार सुनी है, 56 इंच के सीने वाली सरकार चुनी है, उसकी सेबी, उसकी ईडी, उसकी सीबीआई, उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा। तो अब चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये कह दिया है सेबी, तो हम सुप्रीम कोर्ट सेबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बचा सातवीं फेल, चुप हो जा। अभी तक क्या सो रहे थे? अभी तक सो रहे थे? कौन सा आधिकारिक बयान आया? कितने पे छापे मरे? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see.